सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको सीमेंट ब्रिक्स बनाने के बारे में बताने वाले हैं, कैसे आप सीमेंट ब्रिक्स का एक छोटा कारखाना लगा सकते हैं, जिसके लिए हम आए पवन कुमार जी के पास। नमस्कार पवन कुमार जी। नमस्कार जी। सर, कितने समय से आप ये सीमेंट की ईंट का काम कर रहे हैं? ये लगभग 3 वर्ष हो गए साहब। 3 वर्ष हो गए, तो सर अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस होगा। सर सर, ये काम स्टार्ट करने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी? इसे स्टार्ट करने के लिए सर मिनिमम 500 गज जगह तो मस्त है जी। सर 500 गज जगह की ज़रूरत है, उसके बाद क्या सर इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह या MSMEs में रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराना होगा? जी, लेबर कोर्ट में और इसका GST नंबर लेना मस्त है। उसके बाद इसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी सर बनाने के लिए? क्या मशीनें चाहिए या रॉ मटेरियल क्या चाहिए? मशीनें और रॉ मटेरियल में जो है डस्ट और आपका कटिंग वाली बजरी और सीमेंट। जी, सीमेंट चाहिए इसमें ग्रेड वाला। सीमेंट ग्रेड वाला, ग्रेड का सीमेंट यूज होता है इसमें, 43 ग्रेड का सीमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल। सर ऐसा क्यों कि 43 ग्रेड का ही सीमेंट यूज किया जाता है? उसका रिजल्ट बढ़िया है, और भी लगाया हमने, सबका नेगेटिव में रहा, उसका पॉजिटिव में रहा। पवन जी, जैसे अलग अलग शेप की ईंट का यूज हो रहा है आजकल सीमेंट वाली, तो उसके लिए किन मशीनों का यूज किया जाता है या कोई खांचे वगैरह यूज किए जाते हैं? मशीन इसमें एक ही होती है साहब, लेकिन खांचे जो हैं वो तरह तरह के होते हैं इस तरह से ये जी। तो क्या सर किस अनुपात में मिला के इसमें डालना होता है माल को? इसका अनुपात जो है एक कट्टा सीमेंट में 100 ईंट के समथिंग बनती है, एक कट्टा सीमेंट में। और उसके बाद उसमें कितना रेत वगैरह या बजरी वगैरह मिलानी होती है सर? रेत बजरी का रेशियो ये मानो एक कट्टा सीमेंट में 300 kg तो डस्ट, 150 kg डस्ट वो बजरी सॉरी, और डस्ट बजरी और सीमेंट। सर अगर अनुमानित मान लिया जाए तो 100 ईंट बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा? 100 ईंट बनाने में मिनिमम और मैक्सिमम 1,000 और 1,100 रुपये के समथिंग खर्च आता है जी। सर जैसे हम देख पा रहे हैं आपने यहाँ फ्लोरिंग में भी कलर्ड ईंट का यूज़ किया गया है, और आपने काफ़ी सारी कलर्ड ईंट रख रखे हैं, तो इसे कलर देने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कलर देने के लिए इसमें यह है कि इसके ऊपर की परत पर केमिकल लगता है कलर का जी, वही है। मतलब आप सिंपल कलर केमिकल यूज करके और कलर दे सकते हैं? सिंपल कलर नहीं, इसमें कलर जो है इसका अलग ही आता है जी। सीमेंट का कलर ईंटों का वो अलग ही आता है जी। ठीक है सर, धन्यवाद। और सर अगर मकान बनाना हो तो क्या मकान में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं साहब, मकान में इसकी जो है कॉस्ट नॉर्मल ईंट से लगभग ट्रिपल बैठेगी जी, इसलिए मकान में जो है बहुत महंगा बैठेगा। तो क्या सर इसी वजह से लाल ईंट का भट्टे वाली जो ईंट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है मकान बनाने में? और क्या उसके और इसकी लाइफ में भी अंतर होता है? जी हाँ, उसकी लाइफ में और इसकी लाइफ में इसलिए अंतर होता है कि भट्टे की ईंट जो है वो कच्चे मिट्टी की बनती है, और ये जो है वो टोटल सीमेंट और रेत से बनी हुई है। और सर अगर बात करें डिमांड की, तो ये सीमेंट ईंट ज़्यादातर कहाँ यूज की जाती है सर? ये ज़्यादातर जो है पार्क में और रोड में इसका यूज जो है 80% तो सरकारी यूज़ है, 20% में जो है लोग पार्किंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और सर अगर कोई नया कोई भी व्यक्ति ऑर्डर पे ये ईंट बनवाना चाहे तो क्या आप ऑर्डर पे भी बनाते हैं? जी सर, ऑर्डर पे भी बनती है, ज़्यादातर ऑर्डर पे ही बनती है। सर कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्डर पे आपसे ये सीमेंट ईंट बनवाना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? ये संपर्क के लिए नेट और रोड थाने के सामने हमारा प्लांट है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा 99 27 17 64 67 जी। और सर एक बात और जानकारी लेना चाहूँगा सर, जैसे कोई भी नया व्यक्ति अगर सीमेंट ईंट का काम करना चाहे तो उसे स्टार्टिंग में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? स्टार्टिंग में बस छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखता है ना पड़ता है, जो रॉ मटेरियल है इसके कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेबर सही होनी चाहिए, बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। सर आपने जैसे लेबर की बात करी तो कितनी लेबर की ज़रूरत होगी सर? इसमें लेबर की लगभग ईंट
प्लांट में 10 से 12 लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है जी। और सर वो 10 से 12 लोग कितनी ईंट बना सकते हैं एक हफ्ते में? एक हफ्ते में ये पर डे जो है 10 से 12 लोग मिनिमम 4 से 5 हज़ार ईंट बना सकते हैं। ये थे हमारे साथ पवन कुमार जी, जिन्होंने ब्रिक सीमेंट ब्रिक्स के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार पवन जी। थैंक यू।